मैं कह रही नशे की, जैसे YouTube पर हम लोग किसी आलिम को सुनते हैं तो उनको जिस तरह हम लोग देखते ही सुनते हुए, तो क्या ये देखना गुनाह है, गुनाह में शामिल होगा? दीनी वीडियोस देखना? आवाज आ रही नहीं, आलिम को सुनना, जैसे आप लोगों को मैं सुन रही हूँ, आप लोगों को देख भी रही हूँ, तो ये देखना क्या गुनाह में शामिल होगा? ये गुनाह होगा देखना वाज़े है। मर्द को देखना जैसे? ठीक है, सवाल वाज़े है। जैसे सवाल बहन का ये है बेसिकली, जिसको उन्होंने थोड़ा सा घुमा करके पूछा है कि क्या औरत के लिए जायज है कि किसी अजनबी मर्द को देखे, क्योंकि हमें मालूम है कि मर्द के लिए जायज नहीं है कि अजनबी औरत को देखे, तो क्या इसके उल्टा जायज है या नहीं? औरत के लिए क्या जायज है कि किसी अजनबी मर्द को देखे या नहीं देखे? सही बात यह है कि औरत के लिए अजनबी मर्द को देखना जायज नहीं है। जिस तरह से औरत को मर्द से पर्दा करना है, मर्द को औरत से पर्दा नहीं करना है। औरत के लिए अजनबी मर्द को देखना जायज है, अगर उसमें फितने का खौफ हो या वो औरत गलत निगाह से देख रही है तो जायज नहीं है, लेकिन आम हालात में आधी निगाह से देखना ये जायज है। और इसकी सबसे बड़ी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाकया बयान करती है कि कुछ हबशी खेल रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका खेल देख रही थी, और देर तक आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनका खेल देखा, तो जाहिर है वो जो मर्द थे अजनबी थे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो उन मर्दों को खेलते हुए कैसे देख रही हैं, अगर उनके लिए जायज नहीं होता तो। लिहाजा औरत का अजनबी मर्द को देखना ये जायज है, इस शर्त के साथ कि वो गलत निगाह से ना देखे, इस शर्त के साथ कि उसके देखने में फितने का खौफ ना हो। ये एक बात। दूसरी बात ये कि आप औरत के मसले में देखती हैं कि औरत को हमारी शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि वो अपने चेहरे को ढके। क्यों ये हुक्म दिया है? ये इसलिए हुक्म दिया है क्योंकि मर्द के लिए जायज नहीं है कि वो औरत को देखे, अजनबी औरत का चेहरा देखे, ये मर्द के लिए जायज नहीं है। इसीलिए जहां एक तरफ मर्द को मना किया गया देखने के लिए, वहीं दूसरी जानिब औरत को भी हुक्म दिया गया कि अपने चेहरे को छुपाए। लेकिन मर्द के मसले में आप आएंगी तो मर्द को यह कहीं पर नहीं कहा गया है कि मर्द अपना चेहरा छुपाए, तो आखिर में यह तफरीक क्यों किया गया है? अगर औरत के लिए मर्द को देखना जायज नहीं होता तो मर्द को भी कहा जाता कि भाई आप लोग भी अपना चेहरा छुपा करके चला करें। अब जब मर्द को चेहरा छुपाने के लिए नहीं कहा गया है, इसका मतलब यह है कि मर्द को कोई भी देख सकता है, मर्द को मर्द देख सकता है, मर्द को औरत भी देख सकती है, क्योंकि ये तकलीफ माला युताक है। अगर ये कहा जाए कि औरत मर्द को ना देखे तो गोया कि ऐसी चीज का मुकल्लफ किया जा रहा है औरत को, जो कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब जाहिर है मर्द खुले चेहरा घूम रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि औरत ना देखे, उसकी निगाह तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब अगर यहां पर कहा जाए कि औरत के लिए जायज नहीं है कि मर्द को देखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्राडिक्शन है भाई। और मर्द को क्यों नहीं कहा गया कि चेहरा छुपाए? बाजारों में, सड़कों पर, रास्तों में, बहुत सारी जगहों पर मर्द खुले चेहरा रहते हैं, तो औरत पर यह पाबंदी आप कैसे लगा सकते हैं कि औरत मर्द का चेहरा ना देखे? तो इसका मतलब यह हुआ कि औरत के लिए मर्द का चेहरा देखना ये असलन जायज है। एक आखिरी बात ये कि अगर हमारी शरीयत मर्द के चेहरे का पर्दा ये वाजिब करार दे देती तो ये इतनी बड़ी मशक्कत है जिसको लोग उठा ही नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि मर्द का जो दायरे कार है वो घर के बाहर है। मर्द को घर के बाहर निकलना है, काम करना है, रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है, ये सारी मेहनत मशक्कत करनी है, और इस मेहनत और मशक्कत के साथ अगर ये कहा जाए कि अपना चेहरा ढक के चलो औरतों की तरह, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारी शरीयत मुकम्मल तौर से फितरत के मुआफिक है। जब औरत का दायरे कार उसका घर बनाया गया, उसे कहा गया कि पर्दा है,
मर्द का दायरे कार घर के बाहर है, इसलिए उसे पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया गया। तो खुलासा यह है कि औरत अजनबी मर्द का चेहरा देख सकती है, सिर्फ इस शर्त पर नहीं देख सकती है कि उसमें फितना हो या उसको गलत निगाह से देखती हो, तो ऐसी सूरत में देखना उसके लिए जायज नहीं है, वरना आदि हालात में वो देख सकती है।